हेलो गाइस, वेलकम टू टेकिया सर यूट्यूब चैनल। और गाइस, जैसे कि आप सभी को पता है कि आज डेट है 23 जून, और फाइनली फ्लिपकार्ट पे बिग सेविंग डे सेल यहां पर स्टार्ट हो चुका है। और आप सभी को पता है, मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि यार तबीयत मेरी डाउन चल रही है एक हफ्ते से, और अभी भी आप बोल सकते हो थोड़ा रिकवरी हुई है, बट अभी भी फिलहाल के लिए डाउन ही चल रही है। बट क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि सेल की वीडियो स्मार्टफोन की मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा फोन वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा फोन वेस्ट ऑफ मनी है, तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ आपको बताने वाले हो कि कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और कौन से फोन से आपको बच के रहना चाहिए। तो सी बात पे कर दे एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हम 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप अप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर सेल डेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो 23 जून से लेकर जो है 27 जून के बीच में यहाँ पर ये सेल रहने वाला है। बैंक ऑफर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा HDFC बैंक के कार्ड पे, क्रेडिट कार्ड पे जो आपको 750 रुपया मैक्स डिस्काउंट है, जबकि डेबिट कार्ड में जो है सिर्फ आपको जो है 500 रुपये का मैक्स डिस्काउंट स्मार्टफोन पे देखने को मिलेगा। तो डिस्काउंट ये बार थोड़ा कम आपको यहाँ पर कार्ड ऑफर में देखने को मिल रहा है। चलिए अब स्मार्टफोन पे आ जाते हैं। मैं सीधा आपको पॉइंट पे बात करूंगा, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, ज्यादा टाइम आपका भी वेस्ट नहीं करूंगा और अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। चलिए, सबसे पहला स्मार्टफोन है Vivo Z1X 664 वाला, आपको 15,000 रुपये में मिल रहा है। क्या ये फोन आपको लेना चाहिए? तो डेफिनेटली आप इसे परचेज कर सकते हो। मिड रेंज में काफी अच्छा स्मार्टफोन है। एज माय प्राइमरी डिवाइस मैं खुद यहाँ पर ये स्मार्टफोन का 8-9 महीने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। वैल्यू फॉर मनी है क्योंकि डिस्प्ले अच्छा है, एमोलेड है, 22.5 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, 4500 mAh की बैटरी है, स्नैपड्रैगन का 712 देखने को मिलता है, कैमरा फ्रंट और रेयर काफी बढ़िया है। तो डेफिनेटली जो आप Z1X को देख सकते हो 15,000 रुपये में वैल्यू फॉर मनी है। नेक्स्ट है ओप्पो A9, बच के रहना, स्किप कर दो। नेक्स्ट है सैमसंग A80 22,000 रुपये में, डेफिनेटली मिल जाता है, परचेस कर लो। वैसा आउट ऑफ स्टॉक है, मैं कल से चेकआउट कर रहा हूँ, अगर इन फ्यूचर अगर आ जाता है स्टॉक में चेक करते रहना तो ले सकते हो, अच्छा स्मार्टफोन है। आई थिंक ये जो डील्स चल रही है सबसे बेस्ट वैल्यू आपको वही यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर रेडमी K20, स्किप कर दो। K20 बिल्कुल भी गलती से पैसे इन्वेस्ट मत करना उसमें। K20 Pro 23,500 रुपये में आपको मिल रहा है, उसकी तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको HDFC से अगर आप जो है डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड पर अगर आप EMI कराते हो तो आपको 1500 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। वैसे जाके जो आपको 23,500 रुपये में ये बैठेगा, तो अगर आपको मिल जाता है 23,500 रुपये में आप EMI ट्रांजेक्शन वगैरह कराते हो, या 24 तक के भी अगर आप डायरेक्टली भी परचेस करते हो, वैल्यू फॉर मनी है, डेफिनेटली ले सकते हो। अच्छा डिस्प्ले है, अच्छी परफॉर्मेंस है, कैमराज अच्छा है, बैटरी लाइफ अच्छी है, और अच्छा यहाँ पर UI वगैरह के साथ में आपको देखने को मिलता है। सो गाइस, नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो ये Realme X2 Pro बेसिकली आपको 30,000 रुपये में मिलता है, लेकिन एक्सचेंज में अगर आप ऑफर में जाते हो तो 4,000 रुपये का आपको एक्सचेंज में ऑफ मिल जाएगा। तो वैसे अगर आप एक्सचेंज कराते हो कोई स्मार्टफोन तो 26,000 रुपये में आपके बैठेगा। एंड फॉर डेट प्राइस पॉइंट काफ़ी अच्छा डिवाइस है, 855+ है, और आपको अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, और 90Hz का AMOLED डिस्प्ले वगैरह है, तो अमेजिंग डिवाइस है। अगर आप एक्सचेंज करते हो तो ये फ़ायदा उठा रहे हो, तो डेफिनेटली ये फोन के साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme X 16,000 रुपये में, आज की डेट में रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि स्नैपड्रैगन 710 है, डुअल कैमरा है, बैटरी भी थोड़ी छोटी है, तो 16,000 रुपये में नहीं, 14 तक के मिलता तो काफ़ी बढ़िया रह सकता था। नेक्स्ट है Motorola Razr 1,24,000 रुपया, वेस्ट ऑफ मनी है। नेक्स्ट है Realme 6 14,000 रुपये का ऑफर वगैरह नहीं चल रहा है, और 6 Pro 18,000 रुपये का ऑफर नहीं चल रहा है, लेकिन स्टिल बिना ऑफर के भी ये दोनों स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो डेफिनेटली आप इसे परचेस कर सकते हो। Motorola One Fusion Plus 24 तारीख को यहाँ पर पहला फ्लैश सेल है, 17,000 रुपये में, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, डेफिनेटली चेकआउट करो। नेक्स्ट है यहाँ पर IQ3, आपको बेसिकली अगर गेमिंग वाला स्मार्टफोन चाहिए, ट्रिगर वगैरह पबजी बहुत ज़्यादा खेलते हो तब आप देख सकते हो, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेमिंग के फीचर्स वगैरह मिल रहे हैं, और आप प्रीपेड अगर पहले ही पे कर देते हो तो आपको 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिलता है। वैसे 33,000 रुपीज़ में बुरी डील नहीं है, स्नैपड्रैगन 865 वगैरह मिल रहा है, तो ये चेकआउट कर सकते हो, गेमर लोग के लिए स्पेशली मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर Realme Narzo 10A का 464 वाला वेरियंट आ चुका है 10,000 रुपये में, देख सकते हो, क्योंकि सिर्फ इसमें यहाँ पर मुझे कमी लग रही थी वो मेमोरी में लग रही थी, 3/32 वाला जो 8.5 में मिलता है, तो वो भी Realme ने पूरी कर दी। तो वैसे 10,000 रुपये मैं बोलूँगा, अगर आप इसमें HDFC का कार्ड लगा देते हो तो अगर डिस्काउंट मिलता है थोड़ा चीप में तो काफ़ी बढ़िया डील रह सकती है, आप जा सकते हो Helio G70 वगैरह के साथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर Tecno Spark 2
10,000 रुपये में फीचर सारे भर के देते हैं, लेकिन घटिया P22 हीलियो का प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल भी आपको गलती नहीं करना है, आईफोन ऐसी लेना है ले सकते हो भाई, अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है और आप HD डिस्प्ले के साथ में सहमत हो और छोटी सी स्क्रीन बड़े बेजल्स के साथ में सहमत हो जस्ट बिकॉज एप्पल के लोगों के लिए, तब आप जा सकते हो। पोको X2 17,500 रुपये में थोड़ा महंगा हो गया, बट स्टिल जो लोगों को 120Hz डिस्प्ले वगैरह चाहिए वो लोग चेकआउट कर सकते हैं। रेडमी 8 8,500 रुपये में स्किप कर दो, गलती से भी मत लेना। रेडमी नोट 8 प्रो 16,000 रुपये में स्किप कर दो, वेस्ट ऑफ मनी है। मोटोरोला एच प्लस 75,000 रुपीज़ में बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, 60% आता है तो ठीक है, 75 अभी फिलहाल के लिए मोटोरोला में डालना वेस्ट ऑफ मनी है। नेक्स्ट ऑनर 9X प्रो 15,000 रुपये का है भाई, ये गूगल की सर्विस नहीं मिलती है अभी के लिए, थोड़े दिन अच्छा लगेगा, इन फ्यूचर कुछ भी चाइना वगैरह का मसला होता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आपको आ सकती है सर्विस वगैरह को लेके, तब आपको जाना है तो जा सकते हो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, अदरवाइज मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर आईफोन 7 प्लस 35,000 रुपये का, स्किप कर दो, पूरी दुनिया ने फेंक दिए, 4-5 साल पुराना स्मार्टफोन है, इंडिया में ला के सेल में बेचा जा रहा है, स्किप कर दो। पिक्सल 3 है 30,000 रुपये में स्किप, वीवो नेक्स्ट 24,000 रुपये में स्किप कर दो, काफ़ी पुराना है और बेजल लेस डिस्प्ले तो यार हमें 15-16,000 रुपये में मिल जाता आज की डेट में, तो ये वो टाइम आया था, वो टाइम नई चीज़ थी लेकिन अब इतना वर्थ नहीं है। नेक्स्ट है आईफोन 10X 59,000 रुपीज़ में, देखना है देख सकते हो, वैसे ये भी ठीक ठाक डील है। नेक्स्ट है आईफोन 7 28,500 रुपये में स्किप कर दो। सो गाइस नेक्स्ट स्मार्टफोन डील की अगर हम बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S10 लाइट जो है 43,000 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये भी इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, ओवर प्राइस है, ये प्राइस पॉइंट पे आपको वन प्लस 8 वगैरह मिल रहा है तो आप उसके साथ में जाओ इसके जगह पे। नेक्स्ट है यहाँ पर आईफोन 10R 48,500 का है, देखना ही देख सकते हो अच्छी डील है। नेक्स्ट है आईफोन 11 सीरीज, पैसा है और आपका आईफोन इकोसिस्टम पे जाना है, एप्पल इकोसिस्टम पे तो आप जा सकते हो, वैसे एप्पल वाले एप्पल ही लेते हैं। साथ में मी मैक्स 2 15,000 रुपये में, ऐसा देखो तो काफ़ी अच्छा लग रहा है लेकिन आज की डेट में मैं आपको इतना हाईली रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी 2017 का यहाँ पर यह मॉडल है, अपडेट्स वगैरह आपको मिलना भी थोड़ा बंद हो जाएंगे और सिंगल कैमरा देखने को मिलता है और कोई 90Hz या 120Hz वाला डिस्प्ले नहीं है। फ्रंट फेसिंग कैमरे में भी बहुत मगजमारी नीचे की तरफ दिया गया है, बार बार फोन आपको घुमाना पड़ेगा। सो ओवरऑल 15,000 रुपये में ऐसा बाहर से देखो तो अच्छा लगता है लेकिन अभी आज की डेट में काफ़ी अच्छे स्मार्टफोन आपको 15-20,000 की रेंज में मिल रहे हैं, तो मी मैक्स 2 आज की डेट में इतना हाईली रिकमेंड मैं आपको नहीं करता हूँ। नेक्स्ट है यहाँ पर वीवो Z1 प्रो 14,000 रुपये का आपको देखने को मिल रहा है, कोई डिस्काउंट नहीं है तो आज की डेट में इतना हाईली रिकमेंडेड नहीं है, वीवो को इसमें ऑफर देना चाहिए था बट नहीं है। रियलमी 5 प्रो 15,000 रुपये में स्किप कर दो, वीवो U10 10,000 रुपये में स्किप, ASUS Zenfone Max M1 की तो बात ही नहीं करना, काफ़ी पुराना है और बिल्कुल भी नहीं लेना, सॉफ्टवेयर अपडेट वगैरह बिल्कुल भी घटिया हो चुका है। नेक्स्ट है यहाँ पर Huawei Y9 Prime 16,000 रुपये में स्किप, सैमसंग A50 15,500 रुपये में स्किप क्योंकि 13,000 रुपये में कुछ दिन पहले लॉकडाउन के मिल रहा था ऑफर में और अभी 15,500 रुपये में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, इससे अच्छा आप सैमसंग M31 ले सकते हो अगर सैमसंग लवर हो तो। नेक्स्ट है यहाँ पर वीवो S1 17,000 रुपये में स्किप कर दो, इससे फार बेटर आपको वीवो Z1X 15,000 रुपये मिल रहा है, इससे बेटर फीचर के साथ में वीवो S1 प्रो अगेन 21,000 रुपये में बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, स्किप कर दो, इससे फार बेटर ऑप्शन आपको मार्केट में देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट है S20 सीरीज सैमसंग की, देखो अगर आपके पास पैसा है आपको बेस्ट एंड्रॉयड वाला स्मार्टफोन चाहिए, आपको ऐसा नहीं आप मतलब आपको ऐसा पैसा है एक चीज़ नहीं देखना है और आपको ऐसा चाहिए कि भाई सबसे बेस्ट एंड्रॉयड स्मार्टफोन चाहिए, पैसा मैं चाहे जितना खर्चा कर लूँ, तो वैसे टाइप की S20 सीरीज है, तो पैसा है आपको बेस्ट एंड्रॉयड एक्सपीरियंस चाहिए, अच्छा कैमराज और डिस्प्ले वगैरह अमेजिंग चाहिए तो आप S20 सीरीज के साथ में जा सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर ओप्पो रेनो 3 प्रो 32,000 रुपये में स्किप कर दो, नेक्स्ट है ओप्पो A1 के 8,000 रुपये में स्किप, ओप्पो F15 19,000 रुपये में स्किप, तो ये सारी डील्स आपको जो है फ्लिपकार्ट के यहाँ पर सेल में देखने को मिल रही थी। अगर आप मैंने जितने भी बताए आपको स्मार्टफोन कुछ लेने लायक थे, ज़्यादा करके जो है स्मार्टफोन लेने लायक नहीं थे, अब इसके पीछे मैं रीज़न बता रहा हूँ, ये सेल मुझे पर्सनली इतना अच्छा नहीं लगा है, सीरियसली मैं दिल से आपको बता रहा हूँ। मोस्टली अगर आप स्मार्टफोन देखोगे तो ज़्यादा करके मैंने आपको स्किप करने को बोला हूँ क्योंकि कंपनी क्या कर रही है, इतना कुछ भारी डिस्काउंट वगैरह तो प्रोवाइड नहीं करा रही है, बैंक ऑफर भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी कम आपको देखने को मिल रहा है, तो पर्सनली मैं ये सेल से इतना हैप्पी नहीं हूँ। और आपको जो फोन मैंने रेकमेंड करा हुआ एक हिसाब से अगर आपको अर्जेंट है तो आप देख सकते हो, अदरवाइज नेक्स्ट सेल का मैं बोलूँगा वेट कर लो, ये सेल में इतना कुछ खास स्मार्टफोन की डील्स देखने को नहीं मिल रही है, बैंक ऑफर वगैरह भी इतना कुछ खास देखने को
नहीं मिल रहा है। सो गाइस ये थी मेरी ऑनेस्ट वीडियो। यार तबीयत बिल्कुल डाउन है और मतलब मुझे बोलने तक नहीं हो रहा है, बार बार जो खांसी आ रही है और बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है इन्फेक्शन वगैरह हो गया है। तो गाइस अगर आपको वीडियो में मुझे गर्मी भी पर्सनली बहुत ज़्यादा अंदर से टैबलेट वगैरह की वजह से हो रही है, तो आप देख सकते हो हालत ऐसी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट क्या करूँ ऐसा बनाना पड़ रहा है। बट स्टिल मुझे ऑनेस्टली जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि सेल की वीडियो मैं ऑनेस्टली आपको बताऊंगा, तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो बना के बता दिया हो। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में जो करने कर सकते हो, आपकी फेवरेट डील कौन सी थी, बेकार डील कौन सी थी जरूर बताना नीचे कमेंट्स में। सो होप कि मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।